शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको मोइन अख्तर शो में खुश आमदेद कहता हूँ। आइए इस्तकबाल करें हमारे शो की हमारी साथी मेज़बान समन आगा। एक बहुत काबिल आदमी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। टेलीविजन के बहुत काबिल लोगों में इनका शुमार होता है, वैसे भी बड़े काबिल आदमी हैं, बहुत नामवर हैं। और बाज लोग ऐसे होते हैं जो सिंबल होते हैं तरबियत का और तालीम का, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत अदब करता हूँ, लेकिन बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हैं दोनों मियाँ बीवी, आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस्तकबाल कीजिए हमारे लिए काबिल एहतराम तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब उबैदुल्ला बेग और सलमा बेग। कैसा मिजाज है? बहुत अच्छा है, आप चाहे तो खराब कर। नहीं, मैं कोशिश तो पूरी करूंगा, आगे अल्लाह की मर्जी है। कामयाबी नहीं होगी आप। ओके, आपसे गुजारिश करूंगा निहायत एहतराम के साथ उबैदुल्ला बेग साहब से कि वो स्टूडियो से बाहर तशरीफ ले जाएं। वैसे तो पहली बार मेरा पहला सवाल है, आपकी शादी का महीना कौन सा था? अगस्त। सन कौन सा था? 75। फिर सोच लीजिए। सोच लिया। अच्छा, आपकी और बेग साहब की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? हमारी पहली मुलाकात किसी के घर पे हुई थी। महीने में जो पैसे कमाते हैं उनमें से किताबों पर कितने पैसे खर्च करते हैं? किसके पैसे, मेरे या उनके? उनके अपने। पता नहीं, मैंने पूछा नहीं, मगर किताबें बहुत आती हैं। आपको उन्होंने सबसे अच्छी नसीहत क्या की? कोई नसीहत ही नहीं की। बेग साहब रोमांटिक हैं या नॉन रोमांटिक हैं? किताबी हैं। किताबी से क्या मुराद है? क्या किताब पढ़ के रोमांस लड़ाते हैं? जी नहीं, किताब से सर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। ओके, आप बेग साहब से कब चिढ़ती हैं? फुर्सत ही नहीं मिलती, हम दोनों साथ ही बहुत कम रहते हैं। मतलब क्या अलग अलग रहते हैं आप? जी बिल्कुल सही बात है। मतलब आपका घर अलग है, उनका घर अलग है? नहीं, मतलब ये कब हुआ, कब? खुदा ना खासा, हमें तो इल्म नहीं था। राज की बात। अच्छा, ओके। इंसान गुस्से में पहचाना जाता है, गुस्से में जबान पर उनको कितना काबू है? गुस्सा आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता। बेग साहब को कौन सा लिबास पसंद है? सफारी जो पहना हुआ है। कोई उनके सामने झूठ बोल रहा हो और उन्हें मालूम हो तो क्या रवैया रहता है? कभी उसको कंडेम नहीं करते। अच्छा, मतलब उसके झूठ में शामिल हो जाते हैं? नहीं, शामिल नहीं होते, लेकिन उसे झूठा बनाने की कोशिश नहीं करते, झूठे को घर तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। नहीं करते। आपने पहले ही तारीफ कर दी थी उनकी तरबियत की, उनकी तरबियत का हिस्सा है। ठीक है, सोते कितने बजे हैं? पता नहीं, मैं सो चुकी होती हूँ सर। क्या वो अपने कपड़े खुद धोते हैं? बताइए। अगर तो भी समझा हुआ है। नहीं नहीं, मैंने खुद, मेरी ये जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुस्से में आके भाई कहीं जाना है और होता है ना अमूमन कि भाई ये बनियान क्यों नहीं धुला, लाओ मैं खुद धो देता हूँ, ऐसा? वो ही नहीं, तुम्हारे घर की कहानी नहीं है। अच्छा, ओके। मोइन अख्तर पे जब जुमला लगता है ये कौम कितना खुशी का इजहार करती है। खैर कोई बात नहीं। ओके, क्या फितरतन शर्मीले हैं? नहीं, शर्मीले नहीं। नहीं, मुलाकात से पहले क्या आपको मालूम था कि उनका असली नाम क्या है? नहीं, मुलाकात के बाद मालूम हुआ। मुलाकात के बाद मालूम हुआ, क्योंकि कि आपको शायद ये इल्म नहीं है कि उबैदुल्ला बेग साहब का असल नाम जो है वो हबीबुल्ला बेग है। जी, मुझे नहीं मालूम था। अच्छा, फिल्में देखते हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा, किस किस्म की फिल्में देखते हैं? डॉक्यूमेंट्रीज और हिस्टोरिकल वॉर मूवीज। अच्छा, वो नहीं देखते? नहीं, वो तुम्हारी तरह का कोई काम नहीं करता। अच्छा, ओके ओके। पसंदीदा अदाकारा कौन सी है? ये नहीं मुझे पता। उनका पसंदीदा अदाकार कौन है? पता नहीं। ओके, अखबार कितनी देर तक पढ़ते हैं? सारा दिन कोशिश होती है अखबार पढ़े, वरना खबरें देखते रहे। अच्छा, खवातीन से कॉन्फिडेंस से बात करते हैं या शर्माते हैं? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और खवातीन उनमें बहुत कॉन्फिडेंस रखती हैं। अच्छा। कभी झूठ बोलते हैं? नहीं। ओके, फोन पर लंबी गुफ्तगू करते हैं या मुख्तसर? बहुत मुख्तसर। बच्चों की किस बात से नाराज होते हैं? बच्चों की किसी बात से भी नाराज नहीं। घर में आपको क्या कहकर बुलाते हैं? बीवी।
उनको आप क्या कहकर पुकारती हैं? मुख्तलिफ फकात, जो भी मतलब जैसा मूड हो वैसा नाम रख दिया? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये अजीब बात है वैसे। दिन में कितनी दफा खाना खाते हैं? एक दफा। एक दफा क्यों? मतलब एक नाश्ता करते हैं और एक खाने नहीं देती हैं क्या? नहीं, मैं मौजूद ही नहीं होती। अच्छा, ओके। कोई ऐसा वाकया जिस पर बेग साहब को बहुत शदीद गुस्सा आया हो? जानवरों के मारने पर बहुत गुस्सा आता है। खुद भी तो शिकार खेलते रहे? नहीं, अब खत्म कर दिया। ओके, तीन लफ्जों में बेग साहब की तारीफ करें। शरीफ, ईमानदार और मोहब्बत करने वाला। बिजली चली जाए तो क्या कहते हैं? कहते हैं जो जहां है वहीं बैठा रहे। फोन का बिल अगर ज्यादा आ जाए तो क्या कहते हैं? वो अक्सर आता है, मैं बच्चों पे इल्जाम रखती हूँ, वो कहते हैं कोई बात नहीं। ओके, क्या गाड़ी चलाते हुए गलत गाड़ी चलाने वालों को बुरा भला कहते हैं? उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। सवाल आज खत्म हुए। खवातीन हजरात, आपकी तालियां जारी रहे। तशरीफ ला रहे हैं जनाब उबैदुल्ला बेग। मैंने आपकी शख्सियत के बारे में आपकी बेगम साहिबा से कुछ सवालात किए, वही सवालात मैं आपसे दोहराऊंगा और मैं ये चाहूंगा कि आप उनके जवाबात जरा तेजी से दीजिएगा। बहुत इजाजत है? इजाजत है। बिस्मिल्लाह। आपकी शादी का महीना कौन सा था? नहीं, एक मिनट, कोई एक दूसरे की तरफ ना देखेगा ना प्रॉम्प्टिंग होगी। हमारी शादी यानी निकाह पहले हुआ था, जून का महीना था और रुख्सती अगस्त के महीने। आपकी और इनकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? लाहौर टेलीविजन के स्टूडियो। ये तो कह रही थी किसी के घर में हुई थी पहली मुलाकात। उसके घर में हुई थी पहली। बहरहाल वहीं हुई थी पहली मुलाकात। हो सकता है इनकी याददाश्त तो जाहिर है कि सब मानते हैं कि बहुत अच्छी मिली। नहीं, अब ये तय करें पहले कि सच कौन बोल रहा है। महीने में जो पैसे आप कमाते हैं उनमें से किताबों पर कितने पैसे खर्च करते हैं? बहुत ज्यादा। आपने इनको सबसे अच्छी नसीहत क्या की? ये कि कभी मेरे बहन भाइयों की मुझसे शिकायत न करना। लेकिन इन्होंने तो कहा कि मुझे आज तक इन्होंने कोई नसीहत ही नहीं की। नहीं, ये नसीहत तो नहीं बल्कि दरख्वास्त की थी। आप उसे नसीहत समझ लें। अच्छा, उस दरख्वास्त को इन्होंने कबूल कर लिया। कबूल कर लिया। वैसे किसी शोहर की क्या जरूरत है कि वो बेगम को हुक्म दे या नसीहत करे? कम बेगम से कम तो खुद बड़ी अकलमंद होती है। आपने फिर मेरी बीवी नहीं देखी है? देखिए, वो भी बड़ी जोरदार होंगी क्योंकि मेरी हमनाम है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा बेग साहब, आप रोमांटिक हैं या नॉन रोमांटिक हैं? मैं तबीयत से बहुत रोमांटिक हूँ, मेरा स्टार ही ऐसा है जो रोमान परवर लोगों का होता है। लेकिन इन्होंने तो ये सारे जवाब उलट हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने तो ये कहा कि वो किताबी हैं। नहीं, किताबों ही से मेरा सबसे बड़ा रोमांस है, यानी बीवी के बाद अगर किसी से मेरा रोमांस है तो। क्या खूब संभाला है आपने बात। ये आपसे कब चिढ़ती हैं? मेरे सिगरेट पीने से चिढ़ती हैं और रात को देर तक पढ़ने से चिढ़ती हैं। मतलब बहुत सी बातों पे चिढ़ती हैं। जी, बहुत सारी, बड़ी तवील फहरिस्त है। आप इनसे कब चिढ़ते हैं? घर चल रहे ये आप धौंस मत दीजिए, ये टेलीविजन के प्रोग्राम। उनको मैंने पसंद करके शादी की है, मैं किसी उनवान से उनसे किसी लम्हे नहीं चिढ़ता। माशाल्लाह। इंसान कहा जाता है इंसान गुस्से में पहचाना जाता है, गुस्से में ज़बान पर आपको कितना काबू रहता है? मुझे गुस्सा ही नहीं आता। बेग साहब, आपका पसंदीदा लिबास कौन सा है? जो मैं पहने खड़ा हूँ आपके सामने। कोई आपके सामने झूठ बोल रहा हो और आपको ये मालूम हो कि वो झूठ बोल रहा है तो आपका क्या रवैया रहता है? मैं उसकी कही हुई बात फौरन मान लूंगा ताकि उसकी इज्जत रह जाए। आप सोते कै बजे? ढाई तीन बजे सुबह। ढाई तीन बजे सुबह? जी। ये जाग रही होती है उस वक्त?
कह रही है कि मैं दो बजे तक चाय पिला के, हाँ थोड़ी देर पहले सो जाती हूँ। क्या आप अपने कपड़े कभी खुद आपने धोए? जब से शादी हुई है नहीं। सुना है फितरतन आप शर्मीले हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम मैं शर्मीला हूं या नहीं, लेकिन ये कि कैमरे के आगे मैं बिल्कुल शर्मीला नहीं। मुलाकात से पहले क्या इनको मालूम था कि आपका असली नाम क्या है? नहीं, मेरे ख्याल में तो इन्हें मेरा नकली नाम भी नहीं मालूम था। बस ये बेग साहब का नाम सुना। फिल्में देखते हैं आप? टेलीविजन पर। किस किस्म की फिल्में देखते हैं? तारीखी खास तौर पर जी। जदीद जदीद जो फिल्मों का रुझान है वो देखते हैं? नहीं, ऐसी फिल्में नहीं। मतलब ये क्या, आपकी पसंदीदा अदाकारा कौन है? चलिए टेलीविजन की कर लेते हैं। टेलीविजन की पसंदीदा अदाकारा रुबीना अशरफ। रुबीना अशरफ। आपका पसंदीदा अदाकार कौन है टेलीविजन का? शफी मोहम्मद। ओके। अखबार कितनी देर तक पढ़ते हैं? शुरू से लेकर आखिर तक कम से कम जब तक दो अखबार नहीं पढ़ लेता उस वक्त तक मैं नाश्ता नहीं करता। खवातीन से आप कॉन्फिडेंस से बात करते हैं या शर्माते हैं? खवातीन से मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बात करता हूं और खवातीन मुझ में बड़ा कॉन्फिडेंस रखती हैं। कभी झूठ आपने बोला? कई दफा बोला, मगर वो दरोगे मसलहत आमेज जिसे कहते हैं, किसी फितने को या अच्छा, शर एक बात बताइए, हाँ, किसी शर फितने को अवॉइड करने के लिए अगर कोई हल्का फुल्का झूठ बोला जाए तो क्या उसे झूठ गर्दाना जाता है? नहीं, वो दरोगे मसलहत आमेज कहलाता है, मैं ख्याल में उसे झूठ नहीं गर्दाना। ओके। फोन पर आप तवील गुफ्तगु करते हैं या मुख्तसर? जी बहुत मुख्तसर। अच्छा, बच्चों की किस बात से आप नाराज होते हैं? मैं अपने बच्चों की किसी बात से नाराज नहीं हूँ। घर में आप इनको क्या कह के बुलाते हैं? बीवी। ये घर में आपको क्या कह के पुकारती हैं? सुनिए। अच्छा, इन्होंने कुछ और बताया था, इन्होंने कहा मुख्तलिफ नाम है, अब ये हमारी समझ में। ये सुनिए कहती हैं। दिन में कितनी दफा आप खाना खाते हैं? एक दफा। तीन लफ्जों में आप इनकी तारीफ कीजिए। बहुत मोहब्बत करने वाली। ये तो चार हो गए। चार हो गए, मोहब्बत करने वाली। बिजली चली जाए तो आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूं जो जहां है वहीं बैठा रहे। फोन का बिल अगर ज्यादा आ जाए तो क्या कहते हैं आप? सलमा नाराज होती है बच्चों पे, बेटियों पे मेरी। मैं बिल्कुल नाराज नहीं होता, मैं कहता हूं जब टेलीफोन है, बच्चियां हैं घर में, तो टेलीफोन तो आएंगे और ये भी करेंगे अपने दोस्तों। ये तो क्या गाड़ी चलाते हुए गलत गाड़ी चलाने वाले को आप बुरा भला कहते? बुरा भला नहीं कहता, टोकता रहता हूँ। उसकी वजह यह है मोइन अख्तर साहब, आपको पता है कि मैं प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। सारी जिंदगी मेरी सफर करते हुए और बाई रोड सफर करते हुए गुजरी है, तो मुझे बड़ा अच्छा अंदाजा है कि कौन सही गाड़ी चला रहा है, कौन गलत चला रहा है। गलत गाड़ी चलाने वाले को आप बुरा भला? नहीं, मैं गाड़ी खुद नहीं चलाता, जब मुझे ड्राइवर मिले हुए तो क्या जरूरत चलाने। सवाल खत्म हुए। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा इरशाद, कि अचानक शिकार, आपके तो बड़े शिकार के किस्से मशहूर हैं और आप एक नामवर शिकारी गर्दाने जाते थे और बड़ी महफिलें हुआ करती थी, अचानक ये ख्याल आपको क्यों आया? जब मैंने वाइल्ड लाइफ की फिल्में बनानी शुरू की पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, तो मैंने जंगली जानवरों की जिंदगी को मुताला स्टडी किया, किताबें पढ़ी, उन्हें समझा, और वो प्रोसेस, वो तरीका कार मालूम हुआ कि एक मुर्गा भी जिसको हम बड़ी आसानी से या भीतर वो कैसे उसकी परवरिश होती है, किन खतरों से दो चार हो रहता है, और फिर वो इतना बड़ा होता है और आप धाड़ उसको मार देते हैं, तो ये मुझे बहुत बुरा लगा। दूसरे कि मैंने अच्छी अच्छी फिल्में बनाई पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ पे, जंगली हयात पे, तो ये वैसे भी अच्छा नहीं लगा कि जिन चीज़ों की हम फिल्में बना रहे हैं उनको मारें।
अगर इजाजत हो तो मैं परवीन का एक शेर। जी। कल रात जो ईंधन के लिए कट के गिरा था, कल रात जो ईंधन के लिए कट के गिरा था, चिड़ियों को बहुत प्यार था उस बूढ़े शजर से। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी कारामद बातें हुई। LG होम अप्लायंसेज और क्राउन टॉप स्टार टेलीविजन बनाने वालों की जानिब से एक कलर टेलीविजन आपकी नजर किया गया, उसे कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का।